बास का पुनर्जन्म। हर बास की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बास पीड़ा चुनता है और यही से शुरू होता है बास का पुनर्जन्म। हमारे जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बास के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बास लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने से कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ाने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में जहां पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बास पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंक्षी राज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उगाने की, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करना है पंजों का फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भरी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी, जैसे बास संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हम में भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है, आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीनेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बास की पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बास की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ानें भरने होंगी। बास की पंखों की तरह 150 दिन ना सही, 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही, बास तब उड़ाने भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ाने और ऊंची होगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेंगी।